स्टूडेंट्स कैसे हो? आई होप यू आर हैप्पी। स्टूडेंट्स अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 408 बॉल्स कैन बी फिट वन बॉक्स। एक बॉक्स में कितनी बॉल्स भरी जा सकती है? 408। तो अपने को फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स दैट कैन फिट 634 बॉक्सेस। तो आपको ये बताना है कि 408 बॉल्स एक बॉक्स में भरी जाती है, तो अपने को फाइंड आउट करना है 634 बॉक्सेस में कितनी बॉल भरी जाएगी। तो ज्यादा भरी जाएगी कम? ज्यादा। तो ज्यादा के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। तो आपको लिखना होगा यहाँ कि नंबर ऑफ बॉल्स इन ए बॉक्स या वन बॉक्स इज इक्वल टू 408 balls, number of balls in one box, number of balls in 634 boxes is equal to 408 balls into 634 boxes। अब बताओ आपका आंसर बॉल्स में होगा बॉक्सेज में? बॉल्स में। क्यों? कि बॉल्स टू टाइम्स आ चुकी है और बॉक्सेज बन जाए। तो देखना आप लोग और फाइंड आउट भी क्या करवा रहा है आपने, कितनी बॉल्स भरी जाएगी उसमें। तो 408 को मल्टीप्लाई करना है 634 से। 4 8 32 3 k 4 को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो, लेकिन जीरो में 3 8 करोगे तो 3 4 हो जाओ 16 इंटू 3 8 जाओ 24 k भी 2 3 को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो, जीरो में 2 8 करोगे तो 2 3 4 जाओ 12 इंटू इंटू 6 8 जाओ 48 और 6 4 जाओ 24 2 3 4 7 6 2 8 or 8 16 carry 1 1 or 1 2 4 4 8 4 or 1 5 2 4 2 5 8 6 7 2 balls answer। Next question अपना कि price of a book, एक जो पुस्तक है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 250 रुपीज। तो व्हाट इज द अमाउंट नीडेड टू बाय 148 सच बुक्स? तो आपको ये बताना है कि 140 ऐसी ही बुक्स, सेम बुक्स खरीदने के लिए अपने को कितने अमाउंट की आवश्यकता होगी। तो आपको लिखना होगा प्राइस ऑफ ए बुक, प्राइस ऑफ ए बुक इज इक्वल टू रुपीज 250। प्राइस ऑफ एक ही से कितना लिखना है 140 बुक्स इज इक्वल टू 250 इंटू 140। 250 को 140 से मल्टीप्लाई करना है, एनी वन नंबर से टू मल्टीप्लाई जीरो गेट जीरो, 4 0 0 4 5 20 केरी 2 4 2 8 4 2 10 इंटू इंटू 0 5 2 0 0 0 5 4 1 3 रुपीस 3 5 000 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए बॉयज, एक लड़कों के छात्रावास में, एक जो लड़कों का छात्रावास है उसका अमाउंट स्पेंड, छात्रावास है वो स्पेंड करता है, खर्च करता है अमाउंट फॉर द बॉयज एक लड़की पर डे कितना? 350 रुपीज। बॉयज छात्रावास में एक लड़की के ऊपर 350 रुपीज पर डे क्या किया जाता है? स्पेंड किया जाता है, खर्च किया जाता है। तो कैलकुलेट द अमाउंट स्पेंड फॉर 30 डेज, उस स्टूडेंट्स का 30 डेज का टोटल अमाउंट कितना होगा? तो आपको लिखना होगा द
this amount spent for the boys per day. Is equal to ₹350. The amount spent for the boy per day is 30 days is equal to 350 into 30 is equal to 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 3 5 जा 15 कैरी 1 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9 9 और 1 10 कितने 0 2 0 रुपीस 10,500 आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर आर 128 ट्रीज देयर आर 128 trees in a row. Row का मतलब होता है पंक्तियाँ line of a garden. एक बगीचे में एक line में कितने पेड़ लगाए जाते हैं? 128. तो how many trees कितने पेड़ are there in 217 rows? ऐसे ही यदि 217 rows line हो तो उसमें कितने पेड़ होंगे? तो आपको लिखना होगा number of trees in a row is equal to 128 trees. Number of trees in this one row के लिए कितने लिखोगे? 217 row is equal to 128 trees into 217 rows is equal to 128 को 217 से मल्टीप्लाई करना होगा. 7 8 56 केरी 5 7 टू द 14 और 5 19 केरी 1 7 और 1 8 into 8 2 1 into 2 8 is 16 केरी 1 2 टू द 4 और 1 5 2 1 2 6 9 और 8 17 केरी 1 8 to 10 or 6 16 or 1 17 carry 1 1 2 5 7 2 7 7 7 6 trees answer. Next question there are 112 gavas in a basket. एक टोकरी में कितने गवाह आते हैं बेटा? 112. How many gavas are there all together in 190 basket? ऐसे ही 190 baskets में कितने अमरूद आएंगे? तो solution number of gavas in a basket is equal to 112. अपने को फाइंड आउट करना है कितने बास्केट्स में 190 ओ गवास इन 190 बास्केट्स इज इक्वल टू 112 इनटू 190. आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? क्या पूछ रहा है आपने? हाउ मेनी गवास वहां से किसमें होगा? गवास में. अब देखते हैं 112 को 190 से मल्टीप्लाई करें. 190 0 0 0 इंटू 9 टू 18 केरी 1 9 और 1 10 केरी 1 9 और 1 10 2